जल्दी कर यार। एक मिनट बस। अरे 10 मिनट में फिल्म शुरू हो जाएगी गोपी। हाँ भैया 2 मिनट लगेंगे, देखे बस। हाँ कर कर चल। मैडम बिना एकदम लास्ट मिनट छोड़ती हैं। 10 मिनट रह गए खाली और फिल्म। चला यार। एक मिनट बस अभी हो जाएगी देख। अरे देख यार वो पेट्रोल कॉक ऑफ तो नहीं है। ठीक है यार देखो ठीक तो है। पेट्रोल है? हाँ। अरे यार सुबह तो टैंकी फुल करवाई है, तू मेरे साथ तो आया ना फिर। हाँ वो ठीक है यार तू चल। हेलो। हाँ अरे परशुराम एक काम करो तुम जरा टिकट खरीदो और अंदर बैठो तुम, हम लोग आ रहे हैं। हाँ अरे पहले वो आते ना ट्रेलर वेलर आते हैं वो देख जरा, वो बेकार की चीजें जो आती है फिल्म के पहले वो सब देख, हम बस पहुंच रहे हैं। हाँ और कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको बोलना गुलगुले आ रहा है, गुलगुले रोक के रखे। हाँ शुरू हो जाएगी यार गोपी। क्या हो रहा है यार गोपी इतना क्या प्लग व्लग चेक करना जरा। अरे यार प्लग नया डलवाया मैंने यार। नया? हाँ एक मिनट। तेरी बाइक है ना ये? हाँ मेरी है यार। नहीं होगा लगता है, ऑटो पकड़ते हैं यार। ऑटो क्या सन्नाटा यार, ऑटो भी नहीं दिखाई दे रही। चला रहा है यार गोपी, क्या कर रहा है? अरे यार स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं। कब होगी? अभी हो जाएगी, 2 मिनट में हो जाएगी, प्लीज हैव पेशेंट। हेलो क्या? आई 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 फिल्म शुरू हो गई। अरे तो कोई वो ट्रेलर वेलर नहीं आया क्या? अरे लेकिन उनको बोला तूने क्या गुलगुले आ रहे हैं? हाँ हाँ ये नया सिनेमा है कुछ। हाँ ठीक है क्या गोपी फिल्म शुरू हो गई यार। भाई कर रहा हूँ ना यार मैं, फुटबॉल थोड़ी खेल रहा हूँ। अरे स्टार्ट कर यार, क्या इतना टाइम लगता है क्या? कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ ना। हाथ जोड़ दो प्लीज, खड़ा रह तू यहाँ पे। मैं चला जाऊंगा खुद, तो प्लीज वहां बैठ जा मैं देखता हूँ। एक मिनट बैठ। बैठ के क्या होगा? मैं देख चेक करता हूँ ना, एक मिनट बैठ। आई एम आर्किटेक्ट यार, मैकेनिक। ओह या दिस वन। एक मिनट मैं जरा पान और पेचकस लेके आता हूँ। जल्दी कर जो करना है। आया आया पहुंच गए अब तो। वही फिल्म हेलो। इंटरवेल हो गया है गोपी। कोई बात नहीं यार, मैंने सुना इंटरवल के बाद ज्यादा मजा आता है इस फिल्म में। आ, आ। बाकी मेरे को समझ आ गया यार, इसमें क्या डिफेक्ट क्या है, समझ आ गया मेरे को। एक मिनट बस। दी एंड हो गया गोपी। ये तेरे घर की चाबी है? नो। बाइक की है। तू बाइक में चाबी लगाना भूल गया। एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ है लपेट लपेट के? दादाजी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैडम कहाँ है लपेट लपेट के? हार गंदे कर दिए। अरे अरे धोने पड़ेंगे। अब ठीक है,
इनसे पूछते एक्सक्यूज मी मैडम कहाँ है लपेट लपेट के बटाटा हूँ जरा दातून कर लूँ बटाटा हूँ लेकिन मुझे जल्दी जाना है लपेट लपेट के वेल ब्रो वी आर डूइंग दातून इज द यू आर कार्टून इज द जबरदस्त लेकिन मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है लपेट लपेट के बता दो यार दातून तो करने दो यार अरे कितना दातून करोगे लपेट लपेट के अबे इन्होंने थारे से पूछी है कि तू जो है दिन में कितनी बार हाथ धोवे क्यों धोवे जो तू इन्हें पूछ रहा है कि कितनी बार दातून करोगे वैसे दिन में 250 बार कर रहे हैं नया नया शौक चढ़ा इन्हें 200-250 बार दातून अरे बाप रे वो भी लपेट लपेट के yes! चलो मैडम इनको छोड़िए आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया लपेट लपेट के भाई ऐसा है सारी बीबी ने कंप्लेंट लिखाई है फिर से एक बार कि थारी बेटी का ब्याह होते होते रह गया थारे हाथ धोने के चक्कर में बता दिया ना एक भी बार पेट में टिकती नहीं लपेट लपेट के बताती नहीं तो और क्या करती हाँ अरे हमारी बिटिया के चेहरे से जवानी का छिलका उम्र के साथ साथ उतरा जा रहा है छिलका उतार के और एक आम है जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अपनी बिटिया का रिश्ता जोड़ रहा है कहीं या टूट रहा है छिलका उतार के हाँ भाई देख ऐसा है हमने तेरे यहाँ बुलाया है समझाने के लिए कि भाई इससे पहले कि तू बड़ी मुसीबत में फंस जाए हाँ अभी तो बेटी की शादी टूटी है इट्स नॉट सो बैड लेकिन कल को ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी विपदा आ जाए थारे पे ये इस इरिटेटिंग आदत की वजह से हाथ धोने की से नहीं मैडम ये हाथ धोने की आदत तो कभी नहीं छूटेगी लपेट लपेट के हाँ ये दातून वाली आदत है वो मैं ट्राई करके देखता हूँ हाँ अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं दिन में 200-250 बार करूंगा पक्का लपेट लपेट के ओके बाय 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 थैंक यू मैडम मैडम मैं माला वाजपेयी बांधा बस स्टैंड से जो तंग आ गई अपने हस्बैंड से छिलका उतार के ये क्या हो गया मैडम मैडम अब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड दिन में हाथ धोने के साथ साथ 250 बार दातून भी करने लगे छिलका उतार के भैया ऐसा थारा पति हिल स्टेशन में जमी हुई घी की माफक है बिल्कुल जो है सीधी उंगली से तो क्या खुरपी से निकलेगा यो इसको ऐसे एहसास ना होगा इसको एहसास दिलाना पड़ेगा या शी इज राइट इज द मकर संक्रांति में उठती है काइट इज द 3 सेकंड गुलगुले वरना चौथे सेकंड में चौथा हारा मैडम आ रहा है आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही धम 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 पोकला झम 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 पोकला आइडिया आ रहा है तो झम झम करके डंडों की बरसात करूं थारे पे फिर देगा आइडिया तो दरवाजे के पीछे तो आइए मतलब सुनिए गुड आइडिया Good idea, I like it. Hi! 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 Sir! Hey, Mr. Chotala, how are you? Sir, I'm fine and you have to kidnap us. Huh? हमें किडनैप करना है क्यों किस लिए क्या किडनैप क्यों अरे सर देखिए एक केस के लिए आपको एक लेडीज को किडनैप लेडीज को किडनैप करना है हमको छोटा हमने आज तक कभी किडनैप किया नहीं हम पुलिस वाले आप बोल रही लेडीज को किडनैप करो कब बोलती शादी कर लो कब बोलती एंगेजमेंट कर लो आज बोल रही किडनैप कर लो आप हमसे शादी क्या है सर एक्टिंग चाह रही हूँ मैं आपसे एक्टिंग करनी है आपको लेडीज को आपको सही में थोड़ी किडनैप करना है अरे सर केस के लिए बहुत जरूरी और कोई नहीं करेगा गोपी गुलगुले दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं आपको ही किडनैप करना है प्लीज बात खत्म होगी यार सर इट इज सो सिंपल आपने आप प्लीज कर लीजिए सर नहीं आज तक नहीं किया किसी का किडनैप सच कह रहे हैं ओहो अच्छा ठीक है सर देखिए मैं आपको सिखाती हूँ किडनैप कैसे करें ओके सर इट्स वेरी सिंपल बेसिक दो रूल्स हो गए एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए अब आप समझ लीजिए कि आप एक खूबसूरत कन्या हैं लड़की लेडीज और मैं आई एम अ बांका
जो है गुंडा नौजवान बदमाश। ओके चलिए तो हम यहाँ से चल के आ रहे हैं। ओके ठीक है। छमिया ऐसे आपको हाथ पकड़ना है सर, उसके बाद आपने एक चाकू निकाल लेना है और चाकू छोरी की गर्दन पे। उसके बाद आपको उसे खींचना है। बस सर, इट इज दैट सिंपल। समझ गए सर, कर लेंगे आप। एक बार फिर बताइए ना। एक बार फिर कैसे खींचना है? क्या है वो बताइए ना। मैं गोपी को भेज देती हूँ, वो सिखाएगा, उसने करे हैं गांव में कई किडनैप। नहीं मिशेल आप सिखाइए ना, वो क्या था वो अच्छा लगा हमको। ओए होए 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 होए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गोपी, ये हवलदार की पोस्ट के लिए नया लड़का आया है, इसे कुछ काम वाम का आइडिया नहीं, थोड़ा काम समझा देना इसे। हाँ okay. देख ले। ओके ओके भाई, पुलिस में भर्ती हो गए हो, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू सर। नेम प्लेट नहीं है तुम्हारी? बनी नहीं सर अभी। ओके क्या नाम है तुम्हारा? मुखर्जी। पूरा नाम क्या है? मुखर्जी शर्मा। ओके देखो, कुछ बातें तुम्हें बतानी हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं। एक तो ये गुलगुले से दूर रहना। क्यों? ये बहुत डरपोक आदमी है, इसके साथ रहोगे तुम भी वैसे ही डरपोक बन जाओगे। पुलिस में काम करने के लिए आदमी निडर होना चाहिए। आप कैसे? सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, पुलिस में चाहिए निडर आदमी, बहादुर आदमी जो किसी चीज से ना डरे। Alright, let's do it now. सुनो, तुम्हें मालूम है अपना डर निकालने के लिए मैंने क्या किया था? क्या? मैं कब्रिस्तान में गया 10-15 दिन, रात को वहां सोया मुर्दों के साथ। क्या बात है सर। तब जाके मेरे दिल का डर निकल गया, अब मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। तुम्हें एक किस्सा बताता हूं। एक बार रात को मैं ड्यूटी करके घर जा रहा था, तो रास्ते में पता कौन मिला? कौन? चुड़ैल। चुड़ैल ने मुझे कहा, यू आर हवलदार? मैं कहा, या बेबी। मैंने पूछा, चुड़ैल तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? वो कहती, नहीं। मैं कहा, शट अप, मैं कहा रात को ऐसे घूमते नहीं है, चलो घर। डांट दिया मैंने उसको। मालूम है सीधा घर पहुंच गई, पीछे मुड़ के तक नहीं देखा उसने। क्या बात है सर। इसलिए कभी भी डरना, छाती चौड़ी ऐसी। सर लाइट को चली गई सर। आ जाएगी, अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम डरो मत। है डरना नहीं। डर लग रहा है। डरो मत तुम, मैं हूं ना, मैं हूं। डरू कैसे, नहीं वैसे ही चुड़ैल कभी। ये क्या था? ये हवा का झोंका था, चला गया। डरो ना, डरो मत। डर नहीं लगता गोपी? मैं तो बॉर्डर पे हूँ जी, मैं तो डरता नहीं बहुत। आई मम्मी कितने हैं मम्मी, मैं डर लग रहा है मम्मी। गुलगुले तू? हाँ मैं। हाथ दूर रखना, हाथ दूर रखना। अरे
भाई साहब क्या है ये, आप देख के नहीं चल सकते लपेट लपेट के? अरे हम तो सीधे जा रहे थे, तुम हमारे बीच में आ गए। ओ गलती आपकी है भाई साहब, लपेट लपेट के। अबे हमने कहा ना हम सीधे जा रहे थे, तुम हमें ठोक दिया आकर बे। बिल्कुल नहीं, ये सामने से है पर हमें टकराए लपेट लपेट के। बिगाड़ा तुमने नहीं, हम बिगाड़ेंगे अभी तुम्हारा। भैया देखिए, हमें किडनैपर और तुम्हारी बीवी को किडनैप करके जा रहे हैं। फिरौती के लिए फोन करेंगे शाम को, मोबाइल चालू करना चार्ज करके। ओके ओके बाय, सी यू सून। मेरे बात यार बचाओ। अरे मैं अभी गुड सर्विस लपू, बचाओ। कैसा यार, क्यों कितना टाइम के बाद मिला यार, कितना मोटा हो गया गुड सर्विस, तू कैसा चबी हो गया तू एकदम। हां गुड सर्विस भाई साहब मेरी बात सुनिए, आओ जोर आओ जोर से आओ जोर से बचाओ लपू छिलका उतार के। मैं गुण सर्विस नहीं हूँ, लपेट लपेट के। अरे हाँ तू तो उसके जैसा दिखता भी नहीं है, छोड़ ना। यार हाथ गंदे कर दिए, धोने पड़ेंगे। अरे आ रहा हूँ डर्निंग में, आ रहा हूँ, बस अभी हाथ धो के आ रहा हूँ मैं। अबे हाथ क्यों धो रहा है, पागल है क्या? हाँ, ये पागल का दिमाग खराब हो गया छिलके उतार के। हो गया डर्निंग, हो गया, बस ये आ गए देखो। ओहो करतार सिंह जी, क्या हाल चाल है, नजर नहीं आते आजकल, कहाँ हो? मेरे हाथ मारे भाई साहब, मैं कोई करतार सिंह नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अरे हाथ गंदे कर गए डाली, अभी हाथ धो क्या लपू, हाथ बाद में धो लेना, मुझे बचाओ यहाँ के। अरे छोड़ो ऐसे पति को, हमसे शादी करो, चलो डार्लिंग। बस अभी थोड़ा बाकी है, डरेंगे एक मिनट बस। लपू लपू ये मुझे भगा के ले जा रहा है, शादी कर रहा है मुझसे, शादी करेंगे, चलो चलो, लेट्स गो बेबी लेट्स गो। हाँ अब ठीक है डार्लिंग, मैं आ गया। कहाँ गई मेरी माला, कहाँ चली गई मेरी माला, को कोई किडनैप करके चला गया। अरे कोई बचाओ मेरी माला को, कोई बचाओ, उसे किडनैप करके ले गया माला को। क्यों हो गया भाई, रो क्यों रहा है? मैडम मेरी माला यानी कि मेरी वाइफ को कोई किडनैप करके ले गया। किडनैप? अबे तू उस वक्त कहाँ था? मैं माला के साथ ही था। अबे तो तू साथ था तो तैने रोका नहीं? मैं रोकने के लिए गया ही था, लेकिन एक आदमी आया और मेरे साथ उसने शेकिंग कर ली, मेरे हाथ गंदे हो गए, मैं धोने लगा, फिर से बचाने के लिए गया तो एक और आदमी आ गया, उसने मुझे शेकिंग किया, मेरे हाथ गंदे हो गए, मैंने फिर से धोए और मैं बचाने के लिए गया तो वो किडनैप पर मालक को ले जा चुका था मैडम, लपेट लपेट के। वेरी गुड भैया, ये बढ़िया वाला काम हो गया आज। अबे हाँ, धोने की बेवकूफ पंती की वजह से अपनी बीवी से हाथ धो बैठा है तू, थारे पास 2-3 करोड़ तो होंगे। अबे फिरौती में 2-3 करोड़ मांगेंगे, देने पड़ेंगे, इंतजाम कर लो। नहीं मैडम प्लीज प्लीज, मेरी माला को बचाइए, मैं मेरी माला से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, लपेट लपेट के। मैडम मुझे आज एहसास हो गया कि ये बार बार हाथ धोने की वजह से, ये पागलपंती की वजह से मेरी माला आज किडनैप हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका लपेट लपेट के। अबे तो त्याग दो ना इस बेवकूफपंती की, पागलपंती की हरकत को, आदत को छोड़ क्यों नहीं देता तू? नहीं मैडम, अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये पागलपन मैं छोड़ दूंगा लपेट लपेट के। वादा? पक्का वादा मैडम। आओ भाई व्यक्तिगण। माय डार्लिंग माला डार्लिंग, यू कहा गए ना झटका। अरे ये मैडम का बुना हुआ जाल है जिसने कर दिया तुम्हारा बुरा हाल है। वेल ब्रो, शी इज गुलगुले, शी इज गोपी इज द, पहना दिया जिसने तुम्हें टोपी इज द, एंड शी इज मिस बजरंग पांडे इज द। अबे हम मिसेज है क्या, पत्थर मारेंगे तुम्हें? हम मिस्टर है बजरंग पांडे, मिस्टर बजरंग पांडे, हाउ डू यू डू? फिर से हाथ गंदे हो गए, धोने पड़ेंगे मुझे। मैडम।